साथियों, गरीब की तकलीफ दूर हो, उसका जीवन आसान बने, ये हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। कोरोना काल में भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और मुफ्त वैक्सीन भी दे रही है। आपको सबको वैक्सीन लगी है? सबको वैक्सीन लगी है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये आपकी जिंदगी को बचाने में एक रक्षा कवच के रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन को बचाने के लिए भारत सरकार पूरी रात दिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है? भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत की वजह से, इस योजना की वजह से पंजाब के 11 लाख गरीबों ने अच्छे अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज कराया है। ये हमारी योजना ऐसी है कि अगर आयुष्मान भारत का आपके पास कार्ड है, इस देश के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 50 करोड़, दुनिया के देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों को। और इसकी विशेषता ये है कि आप अगर मुंबई गए हैं बीमार हो गए, अहमदाबाद गए हैं बीमार हो गए, लखनऊ गए बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल में इसी कार्ड से मुफ्त में तत्काल आपको डॉक्टरों से सेवा मिलेगी, आपकी ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो वो भी कर दिया जाएगा। यानी पंजाब का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा तो उसको ये सुविधा है। लेकिन मैं एक और दुख की बात बताता हूं, आपके पास कार्ड है, आप अहमदाबाद जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, भोपाल जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएंगे जहां मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपको भारत सरकार 5 लाख रुपए तक बीमारी के लिए खर्च दे रही है, तो पंजाब के लोगों को अगर दिल्ली में कहीं मदद जरूर पड़ जाए तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग दिल्ली में आपको घुसने नहीं देना चाहते, वो आपसे वोट मांग रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को पंजाब में कुछ भी करने का हक है क्या? है क्या? भाइयों बहनों, हमने जो आयुष्मान भारत योजना की बात बनाई है, इससे पंजाब के गरीबों के करीब करीब 2000 करोड़ रुपए बचे हैं। 2000 करोड़ रुपए, अब कल्पना कीजिए, गरीब के लिए 2000 करोड़ रुपए उसकी बीमारी में काम करने का काम दिल्ली में मोदी बैठ करके कर रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे दिल में आपके प्रति चिंता है। पंजाब में 300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और वहां पर जो बाजार में महंगी दवाई मिलती है, वैसी ही दवाई, दवाई में कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन हमने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, जो बाजार में दवाई 100 रुपये में मिलती है,
वो ही दवाई यहां 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है। भाइयों, ये काम हमने किया, हम कैसे मदद कर रहे हैं देखिए आप। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग मां बाप है, डायबिटीज हो गया, रोज उनको गोलियां लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, अगर ये दवाइयां घर में ला दे, महीने का 2-2.5 हजार का खर्चा तो होता ही होता है। मध्यम वर्ग के परिवार पर 2-2.5 हजार का दवाई का बोझ लग जाता है, लेकिन अगर जन औषधि से ले आएंगे दवाई तो सिर्फ 100-150 रुपए में आपका काम चल जाएगा। हर गरीब परिवार का, मध्यम वर्ग के परिवार का 1000-1500 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हम इसके लिए अरबों खरबों की जाहिरात नहीं करते भाई, हम तो गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लिए जीते हैं, मध्यम वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन्हें ऐसे स्टोर में गए, बहुत सस्ते में दवाई मिल जाएगी। इन केंद्रों से भी हर साल पंजाब के लोगों को करीब करीब 300 करोड़ रुपयों का फायदा हो रहा है। यहां के नागरिकों को दवाई के खर्चे में 300 करोड़ की बचत। भाइयों बहनों, ये मदद है कि नहीं है, ये मदद है कि नहीं है, ये आपका भला करने के लिए है कि नहीं है? क्या कभी हमने किसी अखबार में इश्तहार दिया है क्या, एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या? इसी तरह हमारी सरकार ने जो स्टेंट के पैसे कम कराए हैं, हृदय की बीमारी हो, हार्ट का स्टेंट लगाना है, आजकल नी की बीमारी हो जाती है, 50-60 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इसमें भी हमने उसके दाम बहुत कम करवा दिए, कानून का उपयोग किया, और इसके कारण जिन जिन लोगों ने हृदय में अगर स्टेंट लगवाया है, हार्ट में ऑपरेशन करवाया है या नी ऑपरेशन करवाया है, उसके भी करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर में काम कैसे होता है इसके ये उदाहरण मैं बताता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के बैंक के खातों में जमा हुआ है अकेले पंजाब में। बीच में कोई कंपनी, कट की कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई माफिया नहीं, सीधा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, किसान मुझे आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा? इसका लाभ पंजाब में करीब 23 लाख किसानों को मिला है, 23 लाख किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत पंजाब में 75,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं, और एक एक घर बनाने के लिए 1-1.25 लाख रुपया उनके खाते में भारत सरकार जमा करवाती है, ताकि वो पक्के घर में जिंदगी गुजारना शुरू करें। भाई, गरीबों को पक्के घर के लिए अकेले पंजाब को 2000 करोड़ रुपए से के भी अधिक की राशि दी गई है। इधर आंकड़े जोड़ दीजिए, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, ये सारा दिल्ली से पैसा पंजाब की धरती पर उतारने का हमने काम किया।